तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के और एक इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के वीडियो में। तो आज हम कवर करेंगे अपना जीके सीरीज का वीडियो नंबर 213 और आज का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे पूरा बायोलॉजी से, ठीक है, क्योंकि हमारा रेलवे का एग्जाम सामने है, इसीलिए जनरल साइंस पोर्शन भी कवर करना जरूरी है। तो वैसे ही उसके लिए आपका आज बायोलॉजी से क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अपना कॉपी लेके बैठ जाइए जल्दी से नोट डाउन करने के लिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है द बुक जेनेरा प्लैनेट्रम। जेनेरा प्लैनेट्रम ये जो किताब है, एक किताब है, किताब का नाम क्या है, जेनेरा प्लैनेट्रम, ठीक है। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, जेनेरा प्लैनेट्रम, प्लैनेट्रम, जेनेरा प्लैनेट्रम ये किताब लिखा गया, बताइए। ऑप्शन आपके पास लिनियस, बेंथम एंड हुकर, या फिर एंगलर एंड प्रेंटिस, या फिर हचिनसन। तो यहां पे आपका आंसर होगा जो बुक है जेनेरा प्लैनेट्रम, ये लिखा गया आपका कार्ल लिनियस के द्वारा। लिनियस यहाँ पे शॉर्ट लिखा है पर इनका पूरा नाम है कार्ल लिनियस, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, वेयर इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सब लोग अच्छे से दे पाएंगे। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है, लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, या फिर दिसपुर में है। तो यहां पे आपका आंसर होगा जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय। जो पेड़ होता है, जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होता है ना, उनका एज हम लोग कैसे पता करते हैं, एज। तो पेड़ का यानी कि ट्री का एज हम लोग पता करते हैं, ऑप्शन आपके पास है बर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स, या फिर जनरल अपीयरेंस, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर होगा जो ट्री होता है उनका एज डिटरमाइन किया जाता है आपका ग्रोथ रिंग्स से, ठीक है। ग्रोथ रिंग्स इस टाइप का होता है, जैसे आप लोग पेड़ में कभी देखे ही होंगे, ठीक है, गोल 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 होता है ब्रांचेस। चलिए देन क्वेश्चन फोर, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसा क्या चीज है जो दोनों को अलग करता है, डिवाइड करता है। ऐसे सिंपल से समझिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या ऐसा चीज है जो दोनों को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियस। तो यहां पे इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और सेल एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट यानी कि नहीं है। तो यही जो क्लोरोप्लास्ट है इन दोनों को अलग कर देता है, एक में है तो एक में नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इनका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, जैसे कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये टॉपिक और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज ए स्पॉन्ज, ए फॉसिल, ए प्लांट, एन एनिमल, ए फंगस। स्पॉन्ज क्या है, फॉसिल है, प्लांट है, एनिमल है, फंगस है। तो यहां पे आपका सिंपली आंसर होगा एनिमल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज। फ्लावरलेस मतलब बिना फूल वाला, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज, जो बिना, जो प्लांट जिसमें फूल नहीं होता, फ्लावरलेस प्लांट्स आर कॉल्ड, उसको कौन सा, उसको क्या बोला जाता है, फ्लावरलेस प्लांट्स जो होता है उसको क्या बोला जाता है। देखिए, फेनोरोगैम्स, ब्रोयोफाइट्स, थैलोफाइट्स, या फिर क्रिप्टोगैमस। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा फ्लावरलेस प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्रोयोफाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एस एम्फीबियन प्लांट्स बिकॉज। जो ब्रोयोफाइट्स होते हैं ना उनको हम लोग एम्फीबियन प्लांट्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ऑप्शन आपके पास बिकॉज दे अपीयर लाइक फ्रॉग, या फिर दे फाउंड इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड, और या फिर दे डू नॉट हैव हैबिट प्रिफरेंस, या फिर दे कैन ईट
इंसेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर होगा जो ब्रायोफाइट है उनको हम एम्फीबियन प्लांट्स भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि दे फाउंड इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड, वो लैंड पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। देन अपना क्वेश्चन नंबर 8, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज ए साइंस दैट डील्स विद, टैक्सोनॉमी क्या मतलब क्या है या फिर टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है, ऐसे समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी यहां पे शॉर्ट एक जान लीजिए, टैक्सोनॉमी इज ए साइंस दैट डील्स विद, वो किसके साथ डील होता है या फिर किससे रिलेटेड है टैक्सोनॉमी। मॉर्फोलॉजी, एनालॉमी या फिर क्लासिफिकेशन या फिर फंगी से रिलेटेड है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा जो क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमी है वो रिलेटेड है आपका क्लासिफिकेशन से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहां मैं छोटा सा लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे कर करके, ठीक है। तो यहां पे आपका टैक्सोनॉमी रिलेटेड हो गया क्लासिफिकेशन से, ठीक है, इज द साइंस दैट डील्स विथ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, पल्सेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम द फैमिली, जो पल्सेस होते हैं वो कौन से फैमिली के पाए जाते हैं, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। ऑप्शन आपके पास लीज या फिर ल्यूगुमिनस या फिर साइकेडीन या फिर फंगी। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा जो पल्स होते हैं ये बहुत ही हाई प्रोटीनस होता है, हाई प्रोटीनस होता है प्रोटीन, पल्सेस जो है वो आपका फैमिली से बिलोंग करते हैं ल्यूगुमिनस, ठीक है, ल्यूगुमिनस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगी, फंगी का अध्ययन को हम क्या कहेंगे। द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज का हम लोग का कवर हो गया बायोलॉजी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, आपका रेलवे जनरल साइंस में पूछता ही है, ठीक है। तो कवर हो गया हमारा 213 जीके सीरीज का। तो मिलते हैं फिर कल और एक नए ऐसे ही सॉलिड क्वेश्चन के साथ, मिलते हैं कल भी एक और बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं कल फिर और एक बायोलॉजी का सीरीज लेके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।